बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चना चाट की रेसिपी लेके आया हूँ और आपको एक इतनी ख़ास बात बताऊँगा कि इंशाल्लाह आप जिसको भी प्रेजेंट करेंगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही मज़े की बातें आज आपको जानने के लिए मिलेंगी और आपकी चना चाट की रेसिपी में एक ऐसा चेंज आएगा जो शायद शायद पहले ना हो। तो ये जस्ट बातें नहीं है, इंशाल्लाह वीडियो के बीच में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। आपने क्या करना है, आपने रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना और एंड तक रेसिपी को देखना है। बहुत सी बातें इंशाल्लाह आपको जानने को मिलेंगी। सबसे ख़ास बात कि जब आपने चने जो हैं वाइट, आपने पहले 4 से 6 घंटे भिगो के रखने हैं, उसके बाद प्रेशर कुकर में कम से कम 12 से 15 मिनट आपने इनको गलाना है, फिर ये इस तरह मक्खन जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करना आपने। और उसके बाद आलू मैंने 3 अदद लिए जिनको मैंने बॉईल कर लिया, बाकी सारे मसाले रेसिपी के बीच में डिस्कस होंगे जैसा कि हम करते हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के जिनको बॉईल करके काट के मैंने रख लिया था। और ये है हमारे पास चने, ये 1 पाव चने लिए मैंने और ये बिल्कुल नरम है। क्यों है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसमें आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। ये इसमें डाल देंगे और कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, एक दाना भी जो है, ज़र्रा भी है, वो भी आपने नहीं छोड़ना। 1 प्याज लिया मैंने और ख़ास बात ये कि प्याज को आपने बारीक काटना है। टमाटर बिल्कुल रेड कलर का आपने लेना है, खूबसूरत सा रेड कलर मेरा फेवरेट है। और ये है हरी मिर्चें, आपने बड़ी वाली नहीं लेनी, मोटे वाली लेनी है। और 2 से 3 मैंने डाली हैं जस्ट, मोटे वाली ज़रा कम तीखी होती हैं इसलिए मैंने वो डाली है। लेमन यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। यहाँ पे जो दही है इसको अच्छे से फेंट के आपने ऐड करना है। मैंने 1 पाव दही ली है। अब यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1/4 टेबल स्पून। और काला नमक आपने ऐड करना है 2 चुटकी। इसमें नमक नहीं जाएगा, ध्यान से सुन ले, वाइट नमक आपने नहीं ऐड करना। चाट मसाला हमारे पास चम्मच भर के, बेशक आप 2 चम्मच भी ऐड कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है हमारे पास पुदीना और हरे धनिए की चटनी, ठीक है। और ये इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो ख़त्म होगी तो एंड पे भी आपको मिल जाएगी। 2 से 3 चमचे ये चटनी जाएगी और अब इनको करेंगे बहुत ही प्यार के साथ मिक्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा मेरे अल्लाह की शान, ऐसे ऐसे कलर निकल के आएंगे ना बाहर, जब ये मिंट सॉस जो पुदीना है ये जब दही में मिक्स होगा तो आप देखिएगा, ये देखिए आप। तो ख़ास बात जो मैंने आपको बतानी थी दोस्तों वो ये थी कि हम चना चाट बनाते हैं बहुत मेहनत से और फिर उसको प्यालियों में डालकर, प्लेटों में डालकर अपने जिस भी बहन भाई बेटे बीवी को सर्व करना हो हम सर्व कर देते हैं और वो खा लेता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या ऐसा ख़ास काम करना है कि आपकी होगी तारीफ। और एक हमारे व्यूअर्स को उनके अब्बू जान की तरफ से 1000 देखे इनाम मिला, उन्होंने मेरी रेसिपी से बिरयानी बनाई थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने ये बात मुझसे शेयर की। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है, अब ख़ास बात जो है वो शुरू हो रही है। देखें, जब आपने मिक्सिंग कर ली है तो आपने इस तरह से प्लेट में डालना है। मैं स्लोली डाल रहा हूँ ताकि आप देख सकें कितने खूबसूरत कलर है, आप जल्दी जल्दी डाल दीजिएगा कोई मसला नहीं। तो जब आपने इनको अच्छे से प्लेट के अंदर डालना है तो ऐसे ही सर्व नहीं कर देना, आपने क्या करना है ये देखें आप, खूबसूरती के साथ साफ़ सुथरा प्लेट हो, कहीं से भी ये वो लगे ना हो, मतलब नफासत नज़र आनी चाहिए। चाट मसाला ऊपर आपने इस तरह से लगाना है और पापड़ियाँ या चिप्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ऊपर डालना है इस तरह से नुमाया करके, और दही अच्छे से फेंट के ऊपर इस तरह से सजा के, जैसे आप कोई डेकोरेशन कर रहे हैं। ये हमारे पास है इमली की चटनी, देखें आप, और इनको आपने मिक्स नहीं करना। ये है हमारे पास मिंट सॉस जो हमने चटनी पुदीने और धनिया की बनाई थी, उसको मैंने दही में मिक्स कर लिया ताकि कलर खूबसूरत आए। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये देखें इस तरह से जब आप प्लेट सर्व करेंगे अपनी बहन भाई बेटा जिसको भी आप कर रहे हैं तो माशाल्लाह सोचिए वो कितना खुश होगा और उसको कितना अच्छा लगेगा। तो खुदारा मेरी इन बातों को फॉलो किया करें और ये जो खूबसूरती को लेके मैं बातें करता हूँ ना, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत किया करें। देखें, जैसे आज हमारी एक व्यूअर को उनके अब्बू की तरफ से नाम मिला, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इन्हीं चीज़ों से हासिल होती हैं। तो मोहब्बत करें अपने खाने से, अपनी कुकिंग से
और हर चीज़ से, बेशक मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें तभी आएंगी जब आप खाने से और अपने काम से करेंगे मोहब्बत। तो दुआ में याद रखिए, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इजाज़ को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्क्रीन पे दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपीज़, क्लिक करिए और देखिए ये कैसे बनती हैं। तो टाइम मत ज़ाया कीजिए, ये हैं आपके सामने बहुत ही शानदार रेसिपीज़।